आज मैं आपके लिए डोनट की रेसिपी लेके आई हूँ। हम इसे बिना अंडा और बिना ईस्ट के बनाने वाले हैं। इसे घर पे रखे कुछ सामान से ही बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। ये हम इसे कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है, एक कप मैदा है, ये मैंने इसे अच्छे से छान लिया है, साथ ही में आधा कप चीनी है। ये नॉर्मल चीनी को मैंने मिक्सी जार में पीस के इसका पाउडर बना लिया है। साथ ही में हम इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच खाने का सोडा यानी मीठा सोडा। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और मैंने यहाँ पर दो चम्मच ऑयल डाला है। अगर आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं आप। साथ ही में मैंने ये एक कप दही ले लिया है, ये मेरे घर का ताज़ा दही है, फ्रिज का ठंडा दही बिल्कुल ना ले। अब हम इसका डो बना लेंगे और दही हमें थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे डालना है और इसका डो बना लेना है। दही से हमें इसका डो तैयार करना है, पानी हमें इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। और देखिए मैंने इसका डो बना लिया है। अब मैं इसे एक घंटे के लिए गर्म जगह पे रख दूंगी और एक घंटे के बाद हम इस आटे को देखेंगे। एक घंटे के बाद हमारा आटा जो है अच्छे से राइस हो गया यानी फूल गया है। आप देख भी सकते हैं अंदर से एकदम जाली जाली आ गई, तो एकदम परमिट हमारा आटा एकदम सेट हो गया है। इसके ऊपर की एक लेयर भी हटा के दिखाती हूँ। देखिए कितनी जाली जाली आ गई, तो हमारा आटा एकदम से अच्छे से सेट हो गया है। तो अब ये डोनट बनाने के लिए रेडी है। हम इसकी लोई बना लेंगे और एक चकला ले लिया है और इस पर मैदा डस्टिंग कर लेंगे और साथ ही में ये लोई रख के हमें ऊपर से भी मैदा डस्टिंग करना है। अब हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। अब हमें इसे सब तरफ से बराबर बेल लेना है। बार बार रोटी को नहीं उठाना है क्योंकि इसका आटा जो है चिपचिपा रहता है, एक जगह पतला एक जगह मोटा आ जाएगा, इसलिए हमें चकले को ही अच्छे से घुमा लेना है। और देखिए मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है, आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। हमें आटा ऐसा ही मोटा ही रखना है। और मैंने इसे डोनट का शेप देने के लिए एक गिलासी ले लिए, आप चाहे तो कुकी कटर ले सकते हैं या एक कटोरी भी ले सकते हैं। और देखिए मैंने इसे अच्छे से सर्कल में काट लिया है और मैं सभी डोनट ऐसे ही सर्कल में काट लूँगी। अब हम इसे डोनट का शेप देने के लिए ढक्कन लेने हैं छोटे वाले। यहाँ डोनट को शेप देने के लिए रू अफ़ज़ा का ढक्कन ले लिया है, अगर आप चाहे तो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन भी ले सकते हैं। बीच में से जो आटा हम थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं इसका बाद में हम डोनट बना लेंगे। और देखिए मैंने सारे डोनट बना लिए हैं और मैंने यहाँ पहले से ही ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें एक एक करके ये डोनट डाल लेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से फ्राई करना है। डोनट ऑयल में डालने के बाद हमें इन्हें तुरंत बिल्कुल ना छेड़े, जब ये हल्के से ऊपर आने लगे तभी हम नीचे से अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, तभी हमें इसे पलट लेना है। और देखिए मैंने दोनों तरफ से अच्छे से पलट लिया है और आप देख भी सकते हैं कितने अच्छे से फूल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया इनका कलर आ गया है। दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। अब ये निकालने के लिए एकदम रेडी है, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। डोनट को दो बैचेस में फ्राई किया है, एक ही बारी में आप इसे फ्राई ना करें। इतने आटे से हमारे ढेर सारे डोनट बनके तैयार हो चुके हैं। आप चाहे तो इन्हें पाउडर शुगर से कोट कर सकते हैं, चाहे तो इन्हें चॉकलेट से भी कोट कर सकते हैं। मैं इन्हें चॉकलेट से कोट करने वाली हूँ। मैंने यहाँ प्रीमियम व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट ली है और मैं इसे आधा कप लूँगी और आधा कप जो है डार्क कंपाउंड चॉकलेट लूँगी। मैंने पानी को गर्म करके कांच के बॉल में चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है।
स्टील के बॉयल में हमें चॉकलेट को नहीं मेल्ट करना है, कांच का बॉयल ही लीजिएगा चॉकलेट मेल्ट करते समय। और देखिए मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया है, चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मैं डोनट को डिप करने वाली हूँ। डोनट को हम इस तरह से डिप करेंगे, इसे प्लेट में रख देंगे। और चॉकलेट सेट होने से पहले मैंने ये शुगर के बॉल इस पर डाले हैं, ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैंने व्हाइट चॉकलेट एक कोम में डाल के इसका कोम बना लिया है। मैंने इसमें डिज़ाइन निकाली है, हमें जैसे चाहे वैसे डिज़ाइन निकाल के डोनट को डेकोरेट कर सकते हैं। आप कोई एक चॉकलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा एक कप ले। मैंने दो तरह की चॉकलेट इस्तेमाल की है, इसलिए मैंने आधा आधा कप चॉकलेट ली है। देखिए हमारे बच्चों के फेवरेट डोनट बनके तैयार है। टेस्ट इतना बढ़िया और इतना लाजवाब है कि इसको बनाने के बाद आप बाजार से बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को तो ये बेहद पसंद आएगी। सुनो, क्या आपने अब तक धारम कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। आपको चटपटी रेसिपी देखने हैं ना तो हमारे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके।